इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम सत्य पथ पर चल पड़ते हैं, हम धर्म पथ को समझकर उसका पालन करने लगे। आपको प्रसंग स्मरण कराऊं, जटायु जी महाराज जानते हैं कि रावण से हम पार नहीं पा सकते, लेकिन रावण को ललकार दिया। जटायु जी ने जैसे ललकारा, रावण सोचने लगा या तो मैनाक होगा या तो गरुण होंगे, ये दोनों हमारे बल को जानते हैं। लेकिन जटायु जी को देखा तो ठहाका लगा के रावण हंसा, पर जटायु जी को भय नहीं हुआ। क्यों? राम भक्त हैं, धर्म पालन का अवसर आया, हम इसका पालन करें। आज वास्तविक जो धर्म की चर्चा है, धर्म का व्यवहार है, वह आंतरिक दर्शन के साथ कम दार्शनिक कम प्रादार्शनिक अधिक हो गया। ऐसा ऐसा दिखाओ, काहे किसको दिखाओगे? गणेश भगवान का त्योहार चल रहा है, गणेश भगवान आते हैं, रहते हैं, बाजा गाजा सुनते हैं और बड़ी बड़ी मार्मिकता से गणेश बाबा फिर जल की गोद में समाहित हो जाते हैं। किसी बच्चे से ये पूछिए, भाई तुमने रखा, इनको विदा कर रहे हो, तुमको कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई कष्ट नहीं हो रहा? तो यही कहेगा, हम हर साल ऐसा करते हैं। अरे भाई क्यों करते हो? बोले बगल वाले छोटी लाते, हम उनसे तीन गुनी लाते। हाँ, हमारे पंडाल में इतने माइक हारन बजते हैं कि बगल वालों का बंद करना पड़ता है। ये क्या है? ये दर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन है। भक्ति दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। मैं इसका भी विरोध नहीं करता, लेकिन कम से कम हम हमारे परिजनों स्वजनों बच्चों को यह बात बताएं, अरे भाई ये वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम भी ये वंदे वाणी विनायको, ये जो विनायक हैं, ये अष्ट सिद्धि नव निधि इनके पास है, थोड़ा मांग तो लो, थोड़ा पा तो लो, रिद्धि सिद्धि इनके पास है, कुछ तो ले लो भाई। ना अपने यहां तो और हालत खराब है, बड़े बड़े बाजे बजते हैं, यदि कान न बंद करो तो हृदय विदीर्ण हो जाता है, डर लगता है। क्यों? दर्शन नहीं, प्रदर्शन। थोड़ा हम जहां हैं, देखो आप, धर्म का मूल तत्व बहुत जटिल है। हम घर में रहते हैं तो बच्चों को बराबर नहीं, यदा कदा खेलते खेलते बैठा के एक सेकंड में एक बात बताते हैं। बाल मन है, बधा दिया, सोते समय बच्चे चर्चा, पापा आपने दिन में वो बात कही थी, वो मेरे समझ में नहीं आई, आजा भाई आजा आजा आजा, लेट समझाता हूं, समझा दिया गया। बच्चों को बचपन में छोटी छोटी बात आप जब कहेंगे, धीरे 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 उनके हृदय पर चित्त भित्ति पर अंकित होती जाएगी। ज्ञान पूर्वक हम जो हैं वहीं से देख कर, कहीं से नहीं, अपनी परंपरा, अपनी मान्यताएं, अपने जीवन का हर क्षण हर पल उसका आनंद शेयर करो। अरे भैया मौजो मत, आनंदित हो। मौज आएगी तो जाएगी, लेकिन आनंद आ गया तो वापसी नहीं लेता। अरे क्या कहे, बहुत अद्भुत है, अद्भुत है। भगवान शिव मां शिवा कथा के रस में आनंदित हैं। इसी भाव का स्मरण करके पूज्यपाद गोस्वामी जी ने वाराणसी में
काशी जी में 80 घाट पर गंगा मैया और संत समाज को निमित्त बनाकर रामकथा प्रारंभ कर दी। गोस्वामी जी शरणागत भाव के वक्ता हैं, भक्त हैं, साधक हैं। अभी काशी जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी द्वारा प्रतिपादित प्रसारित रामलीलाओं का समय, रामलीला चल रही है। क्यों? पुण्य अर्जन। सत्कर्म में प्रवृत्त होना पुण्य है, सत्कर्म का मन में आकर केवल रुक जाना भी धर्म है। मन में भी आया तो उसका फल है। कलिक एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही। मन में आ गया, पुण्य कर रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं, गंगा जी जाएंगे, गौदान करेंगे, दर्शन करेंगे, संत से मिलेंगे, इसका भी फल प्राप्त होता है। मन में आए पुण्य कर्म का, धर्म का भी फल हमको प्राप्त। मानस पुण्य हो ही, नहीं पापा। और मन में पाप आ गया तो उसकी कोई त्रास नहीं है, कोई सजा नहीं। इसलिए हम आप आज प्रथम दिवस इस भाव में कि बाबा ने अपने निज निवास से कैलाश पर्वत पर माँ भवानी को कथा सुनाई, तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क जी महाराज ने भरद्वाज जी के प्रति राम कथा गाई, और भगवान को रणांगण में बंधन में देख करके गरुण जी महाराज जब ब्रह्मा जी नारद जी के समझाने पर शिव जी के पास गए, शिव जी ने काकभुसुंड जी के पास भेजी, तो काकभुसुंड जी ने गरुण जी महाराज के प्रश्न करने पर काकभुसुंड जी ने गरुण जी को कथा सुनाई। शुद्ध सत्व धर्म सहज है, यह सहज धर्म धारण कर लें, हमारा जीवन सुवासित हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। सहज धर्म, कुछ नहीं करना। आप देखिए ना, दर्शन करिए, सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में कुछ अलग से नहीं करना है, सहज है। ऐसा करो, वैसा करो, कुछ न करो यार, करो नहीं, क्रिया न करो, धर्म सहज है आप। और जिस क्षण, जिस दिन, जिस पल आप सहज हो जाएंगे, आप धर्ममय हो जाएंगे। असहज होते हैं तब धर्म से इधर उधर भटकते हैं। असहजता भटकाव का कारण है, असहजता। एक दिन बालन को मेरा फोन आया, कारण बताओ, यूं प्रणाम करने में 10 साल हो गया प्रणाम नहीं किया। कोई अकारण आपको 5 वर्ष बाद फोन कर दे, समझिएगा कोई काम पड़ा होगा तब याद किया होगा, आएगा, उसको बताइए मत, कहीं आओ आओ स्वागत आओ बट। कोई फोन कर रहा है आपको, संदेश दे रहा है, ले रहा है, अर्थात कोई बात रुकी है, फंसी है, अटकी है, ओ संबंधों को समेट कर रखिए, आप सुखी रहेंगे। संबंधों को प्रयोग मत करिए, थोड़े थोड़े के लिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, जहां लक्ष्मी जी से काम चल जाए वहां नारायण का स्मरण नहीं करना चाहिए। आप लोग समझ गए? बहुत अच्छा। रक्षा, जहां लक्ष्मी जी से काम चल जाए वहां नारायण का प्रयोग, संबंध साक्षात नारायण है, लक्ष्मी जी, सुखी रखो सबको, दो जिसमें है। रावण ने उत्पात प्रारंभ कर दिया, मैदानों ने लंकापुरी का श्रृंगार करा दिया, रावण ने राजधानी बनाया। देखिए, उत्पाती व्यक्ति पहले मरने से डरता है, इसलिए वो सबसे पहले अपना बंकर बनाता है सुरक्षित रहने के लिए। लेकिन उत्पात का ताप इतना तेज होता है कि उसका कितना भी बंकर सुरक्षित हो, उसका विनाश हो जाता है।
बात जानता है कि हमारा आज नहीं कल विनाश होना है। रावण का उत्पात कितना बढ़ा, देवता लोग त्राहि त्राहि करने लगे, त्राहि त्राहि करने लगे। रावण का आतंक, अरुण वरुण काल यम यज्ञ शनि सूर्य सब को जय कर लिया रावण। है काहू के मरे न मारे, शक्ति का प्रयोग परमार्थ में, विकास में, विनाश में नहीं। शक्ति का प्रयोग उत्थान में करना चाहिए, पतन में नहीं। सबका विकास हो, सबका उत्थान हो, और जो सबका विकास उत्थान मानता है उसका तो हो ही जाता है, होगा। हर व्यक्ति में, हर बीज में विशाल वृक्ष की क्षमता है, बस कोई श्रेष्ठ माली उसको बोकर देख रेख भर कर दे। हर बीज में वटवृक्ष की क्षमता होती, कोई कर दे। हम हॉस्पिटल नहीं देखते, हम केवल स्मरण करते हैं कि हॉस्पिटल है, बस करते हैं ना। हमारे आपकी भाभी जी कहती हैं आप तो ऐसे चिंता करते हैं हॉस्पिटल की कि जैसे आप चलाते हैं यहाँ से बैठे बैठे, दिन रात आप इसी मिशन में लगे रहते हैं। आप निश्चित मारो, आप अपनी दिव्य शुभ्र संवेदनाएं दूर बैठे किसी वस्तु व्यक्ति पर भी लगा देंगे तो उसकी आपकी चेतना उसका पोषण कर देगी। आप करके देखो, कछुआ बालों में रखे अपने अंडे को और भाव से केवल पाल देता है। भगत को भगवान अमृत रस देकर पाल देते, लोगों की प्रार्थनाएं दुआएं बंदगी भावनाएं छोटे से छोटे मिशन को खड़ा कर देते। सुभाष बाबू ने पूरी प्रजा का आह्वान किया, चलो साथ आजाद हो जाओगे, और भारत मुक्त हुआ, आजाद हुआ। प्रमाण है, आप जानते हो मैं किसी पार्टी वार्टी का आदमी नहीं हूं। ये व्यक्ति का संकल्प, व्यक्ति का जितना संकल्प विराट होगा तो पूरी प्रकृति उस विराटता के साथ खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।